बार्ड ऑफ ब्लड। कुल टोटल इसके अंदर 7 एपिसोड हैं और हर एपिसोड 45 से 50 मिनट का है। लगभग आप 5.5 घंटे तक का इसमें अनुमान लगा सकते हैं, इतनी देर की ये सीरीज़ है। जो इसमें कास्ट है, इमरान हाशमी, सोभिता धुलीपाला, विनीत कुमार सिंह, जयदीप अहलावत और भी बहुत सारे हैं, सबने बहुत अच्छी एक्टिंग की है इस सीरीज़ के अंदर। ये जो सीरीज़ है, एक किताब आई थी 2015 में जिसका नाम भी बार्ड ऑफ ब्लड था, बिल्कुल सेम नाम वही इस सीरीज़ का रखा गया है और कोई भी चेंजेस उसके अंदर नहीं किए गए हैं। इस सीरीज़ के अंदर कोई भी चेंजेस नहीं किए गए हैं, जो उस किताब में जैसा एज इट इज़ था वैसे का वैसा इसमें दिखाया गया था। ये जो किताब थी बिलाल सिद्दीकी जी ने लिखी थी 2015 में जो आई थी, उसी के ऊपर सेम की सेम यहाँ पर ये सीरीज़ बनाई गई है। अब ये जो सीरीज़ है, ये पहली एक ऐसी सीरीज़ है जो मैंने अभी तक आज तक देखी है जिसमें कोई भी गाली गलौज नहीं है, एक सिंगल एक गाली नहीं है इस सीरीज़ के अंदर और ना ही कोई इसके अंदर वल्गर सीन है। सीरीज़ बहुत वॉयलेंट है ये तो है, क्योंकि इसके अंदर बलूचिस्तान के अंदर आतंकवादियों को, तालिबान के जो आतंकवादी हैं, तालिबान को दिखाया गया है, ISI को, मतलब वहाँ यहाँ दिखाया गया है। और मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू की बात करूँ तो ये सीरीज़ वाकई में मुझे बहुत पसंद आई है, क्योंकि इसमें रियलिटी बहुत दिखाने की कोशिश की गई है। जैसे कि पाकिस्तान तालिबान को कैसे अपनी ज़मीन पर पनाह देता है और कैसे उसे सपोर्ट करता है। और एक और चीज़ मुझे इसके अंदर पसंद आई कि बलूचिस्तान की जो आज़ादी की मूवमेंट है वो इसके अंदर दिखाई गई। एक संगठन था BAF, बलूचिस्तान आज़ादी आज़ाद फोर्स, जो इसके अंदर दिखाया गया, जो बलूचिस्तान की आज़ादी के लिए संघर्ष कर रहा है, वो भी इस सीरीज़ के अंदर दिखाया गया, जो मुझे बहुत पसंद आया। बहुत सारी चीज़ें मुझे इसके अंदर बहुत पसंद आई हैं, लेकिन एक छोटी सी चीज़ को अगर आप छोड़ दें, उसे फिक्शनल मतलब कि कल्पना मान के आगे, क्योंकि ये बार्ड ऑफ ब्लड जो है वो एक किताब पर आधारित है, 2015 में आई थी, वो एक कल्पना पर आधारित एक बुक है। और अगर आप इस जो ये बात है जिसमें इंडियन इंटेलिजेंस की जो चीफ है, अगर वो क्या करते हैं कि वो किसी भी एजेंट की जान की परवाह नहीं करते, अगर आप वो बात छोड़ दें इसके अंदर, अगर वो चीज़ एक छोटी सी चीज़ छोड़ देते हैं, तो ये सीरीज़ वाकई में बहुत अच्छी है, आप देख सकते हैं। और ये बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवाएगी। जैसे कि मैं बहुत टाइम से जैसे न्यूज़पेपर फॉलो कर रहा हूँ, बहुत सी बुक्स मैंने पढ़ी हैं, तो जैसे पढ़ता आ रहा हूँ कि कैसे पाकिस्तान तालिबान को सपोर्ट करता है, केवल अपने ही देश में नहीं बल्कि बाहर ईरान में भी उनको सपोर्ट कर रहा है। जैसे ईरान में कैसे वो अशांति फैला के रखी है, पाकिस्तान उनका पूरा सपोर्ट कर रहा है वहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें मुझे पढ़ने को मिलती थी इस सीरीज़ में, मुझे वो देखने को मिली, बहुत सारी नॉलेजेबल चीज़ें। और इसके अंदर बलूचिस्तान की खूबसूरती भी बहुत अच्छे से दिखाई गई है सीरीज़ के अंदर। आतंकवादियों का असली चेहरा उनको दिखाने की पूरी कोशिश की गई है कि कैसे आतंकवादी छोटे छोटे मासूम बच्चों को भी अपने हवस का वो शिकार बनाते हैं, बल्कि अपने ही उनके जो बच्चे होते हैं उनके साथ ही वो ऐसा ऐसा काम कर जाते हैं। उनकी क्रूरता, उनके अंदर कोई भी मतलब इमोशनल नहीं है, ये वाकई में ये सीरीज़ दिखाने की पूरी पूरी कोशिश करती है। पर्सनली मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि सीरीज़ देखें, लेकिन एक दो छोटी बातों को अगर आप वो चीज़ें छोड़ देते हैं तो ये सीरीज़ वाकई में बहुत अच्छी है। अब बार्ड ऑफ ब्लड की एक अगर कहानी की बात करें, तो ये कहानी है कि तालिबान पकड़ लेता है चार भारतीय जासूस को और उनको छुड़ाने के लिए एक नॉन सेंक्शन प्लान डिज़ाइन करते हैं। कबीर आनंद जिसको निभाया है इमरान हाशमी ने, और जो एक बहुत ईमानदार हैं और किसी भी कीमत पर अपने साथियों को वो खोना नहीं चाहते, उनको इस मिशन पे भेजा जाता है। और उनके साथ ही एक ईशा नाम का एक करेक्टर है जिसको निभाया है सोभिता धुलीपाला ने। नेक्स्ट जो है वो है वीर सिंह, जो 7 साल से वहाँ पे बलूचिस्तान के अंदर अपना काम कर रहे हैं, जासूसी कर रहे हैं वहाँ पे। और इनसे एक चीज़ सीखने को मिलता है, बावजूद 7 साल के जो इनको एजेंसी बुला चुकी है, बावजूद इन 7 सालों के उन्होंने इतना लंबा समय वहाँ पे निकाला, वो कैसे अपने देश के लिए अपने देश के लिए वो काम करते चले जा रहे हैं पूरी निष्ठा भावना से, पूरी ईमानदारी से। ये सीरीज़ हमें इंस्पायर भी करती है कि इन जैसे जासूस ही हमारे देश को कितनी सिक्योरिटी प्रोवाइड करके रखते हैं, कितने अपनी जान पे उनको कोई परवाह नहीं होती अपनी जान की भी, सिर्फ और सिर्फ अपने देश को अपने दिल में लेके वो ये काम कर रहे हैं। हम में से बहुत सारे लोग तो उनके बारे में उनके नाम तक नहीं जानते, वो बेनाम रहकर भी इस देश की सुरक्षा करते हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है जो मुझे वाकई में इसको बयान नहीं कर पाऊंगा कि कैसे एक इंसान 7 साल से बेनामी की ज़िंदगी जी रहा है एक ऐसे देश में जहां उसका कोई कुछ नहीं पता, अगर सच्चाई पता चल जाती है तो उनको मार दिया जाता है। तो
ऐसी हालात में वो रहकर देश की सुरक्षा करते हैं, देश को जानकारी प्रोवाइड करते हैं। ये तीनों जो हैं वो एक नॉन ये तीनों जो हैं वो एक नॉन सैंक्शन प्लान पे काम करते हैं भारतीय चार जासूस को छुड़ाने के लिए। एक सस्पेंस भी इस सीरीज के अंदर रखा गया है जो आपको लास्ट जो सेवन्थ एपिसोड है उसके अंदर आपको पता चलेगा। ये जो सस्पेंस था ये मैंने नहीं सोचा था कि ऐसा सस्पेंस भी निकलने वाला है, वो एंड मोमेंट में आपको जाके पता चलेगा। और सच में अगर आप स्टार्टिंग से देखेंगे अगर लास्ट तक, तो आप भी खुद नहीं पता चल आपको खुद भी पता नहीं चल पाएगा कि ये कौन था ऐसा। मतलब अगर हिंट देने की बात करूँ तो एक ऐसा मोल यानी एक ऐसा डिफेक्टिव बंदा, एक गद्दार कह सकते हैं, एक गद्दार भी जो इसके अंदर दिखाया गया है, आप पता भी नहीं लगा पाएंगे फर्स्ट सीरीज से, मतलब इसका फर्स्ट एपिसोड से लेकर लास्ट एपिसोड तक वो कौन था, वो आपको लास्ट में ही जाके पता चलेगा। ये जो सस्पेंस था ये वाकई में, ये जो नेटफ्लिक्स है इन्होंने कमाल कर दिया कि पहले से लेके आखिर तक इन्होंने इसको कायम रखा, यानी थोड़ी सी भी भनक नहीं लग रही थी कि वो कौन है। अगर आप ये सीरीज पूरी देखते हैं तो आपको पता चलता है कि कैसे इसको कितना रियलिस्टिक रखा गया है। इससे साफ पता चलता है कि नेटफ्लिक्स बहुत ज़्यादा रुपए इसके ऊपर खर्च कर रही है रियलिस्टिक रखने के ऊपर। हर एक सीन उसको कितना रियल दिखाया गया है, चाहे वो फाइटिंग हो, चाहे वो कोई भी और चीज़ से हो, कि बातचीत किसी से करना हो, बहुत ज़्यादा जो सिनेमेटोग्राफी है वो बहुत उम्दा लेवल की है इसके अंदर। अगर बात करें इस सीरीज़ को स्टार देने की तो मैं इसे देना चाहूँगा 8 out of 10 स्टार। अगर आप लोगों ने ये सीरीज़ देखी है तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको ये कैसी लगी, और अगर नहीं देखी है तो जाके देखिए, बहुत ज़्यादा आपको इन्फॉर्मेशन आप इसमें से आपको मिलेगी कि कैसे पाकिस्तान तालिबान को सपोर्ट कर रहा है, आतंकवादियों का असली चेहरा क्या है, कैसे बलूचिस्तान अपनी आज़ादी के लिए संघर्ष कर रहा है वहाँ पे, कैसे उनको दबाया जा रहा है। हर एक चीज़ यहाँ देखने को आपको मिलेगी पाकिस्तान गवर्नमेंट की, कि भाई वो कैसे छुपाती है अपने आप को इन सब चीज़ों से, ये आपको देखने को इसके अंदर मिलेगा। पूरी इन्वॉल्वमेंट दिखाई गई है पाकिस्तान की गवर्नमेंट की इसके अंदर, तो वाकई में ये सीरीज़ देखने लायक है आप लोगों के लिए। बस आज के लिए इतना ही था इस वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।